आती थी तो हम इस गेट से अटेंडेंस देके बाहर आ जाते। फर्स्ट टाइम की बात है, अब सुधर गए हैं। वेलकम टू प्रिंस ऑफ वेल्स। लॉकडाउन के बाद ना सब कुछ बंद हो गया था। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था फर्स्ट सेम में, ठीक है, 2019 में। तो उसके बाद कॉलेज पूरे बंद रहे, कभी मौका ही नहीं मिला कॉलेज जाने का। तो आज असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए जाना पड़ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं काज व्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, साइंस कॉलेज, ठीक है। तो सोचा एक व्लॉग भी बना लेता हूँ। सीन ये हो रहा है कि मैं कभी घर कभी जम्मू, तो एक दिन ठंड लगती है और दूसरे दिन गर्मी। देखो पहले हम ना कॉलेज कंटिन्यू जाते थे तो बाइक एकदम साफ रखते थे, तो जब से व्लॉगिंग शुरू की है पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ। बाइक का हाल देख लो, पूरी गंदी हो रखी है। मतलब सोचा था आज बुलाऊंगा बट कॉलेज जाना पड़ रहा था इसलिए सुबह सुबह बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही उठा ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकलना पड़ा। अभी क्या है ना भाई, देखो अपने कॉलेज का रास्ता ना विक्रम चौक से जाते हुए आता है, मतलब ये जो तभी का पुल है यहाँ से जाते हैं हमारे कॉलेज, ठीक है। ये है कनाल रोड। हाँ, कॉलेज के जाते हुए ना क्या बताऊँ, काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज गया ही नहीं हूँ मैं यार। मतलब पिछले 3 सालों से एक बार भी नहीं गया, तो आप खुद ही गैस कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि न्यू कमर हूँ कॉलेज में, बट अभी तो अपन सीनियर है भाई, मतलब 4th सेम में। मतलब फर्स्ट सेम में भी जानते हैं अभी। वेलकम टू प्रिंस ऑफ वेल्स भाई, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। वालेकुम सलाम। पार्किंग एकदम नई नई सी बना ली है हमारे टाइम पे, इधर वो पत्थर वत्थर होते हैं, इतने पत्थर होते थे। बड़ी देर बाद मिला इरफान, मतलब इतनी डेयरिंग करके हम फाइनली चल पड़े हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कॉलेज में व्लॉगिंग बैन है कि नहीं, फिर भी कर रहे हैं, देखते हैं। यहाँ से हमारे बाकी जो बायो साइंस ब्लॉक वगैरह जितना भी है ना, वो सब इस साइड है। न्यू हॉल वगैरह, जूलॉजी सेक्शन, बॉटनी सेक्शन वो इस साइड है, केमिस्ट्री वगैरह उस साइड है। तो हमें जाना है बॉटनी वाली साइड भाई। अंग्रेज़ों के टाइम पर आप ऊपर से देख सकते हो एलगी भी लगी हुई है इसको। ओल्ड हॉल, ओल्ड हॉल उधर है, पढ़ नाम पढ़ गया है। वो है फिश टेल पाम, ठीक है। मतलब पेड़ों के साथ साथ ना नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और मेरी आवाज़ इसलिए स्लो है क्योंकि आगे मैडम खड़ी है और मुझे पता नहीं है वो क्या बोले। मैं असाइनमेंट सबमिट कराने गया तो हमें पता चला कि मैडम की टाइमिंग जो है वो 12:30 बजे है। मैडम 12:30 बजे आएंगे और हमें तब असाइनमेंट सबमिट कराने, अभी तो नहीं होंगे। बट कॉलेज में गर्मी जो है ना, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है यार। पेड़ वेड़ भी हैं बट फिर भी पता नहीं क्यों। अभी हम मैं बोटेनिकल गार्डन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम हमारा यहाँ होता था, खाली केमिस्ट्री पढ़ने हमें वहाँ जाना पड़ता था। इधर होती थी, मैडम वहाँ से अटेंडेंस लेती थी तो हम इस गेट से अटेंडेंस देके बाहर आ जाते। फर्स्ट टाइम की बात है, अब सुधर गया। ये हमारे कॉलेज की कैंटीन थी जहाँ पे बैठ के हम कोल्ड कॉफ़ी या आइस टी पिया करते थे, बट वो दिन चले गए भाई, लॉकडाउन के बाद सब खत्म हो गया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम लड़के यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे होते थे और हमारी बाइक यहाँ से आती थी उड़ती हुई, वहाँ जाके पार्क होती थी। बट अब तो अब अंदर बाइक लाना भी अलाउड नहीं है। आगे हमारा आ रहा है सट्टा ग्राउंड। यहाँ सट्टा ग्राउंड आ रहा है सच में। 12 बजे के बाद आते थे खेलने, यहाँ कभी कभी प्रैक्टिकल मिस करके हम आ जाते थे यहाँ पे जो ग्राउंड है पीछे। अभी हम पहुँच चुके हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो मेन ऑफिस है ना उसके पास। तो यहाँ से साइंस कॉलेज इस साइड है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी इधर है, जो मेन ऑफिस जो है ना वो यहाँ पे है। जब भी कोई सीन वीन होता है तो प्रोटेस्ट वगैरह करना हो तो हम यहीं आके करते हैं। साइंस कॉलेज में करके कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि
ये हमारे कॉलेज जो है ना वो इसके अंडर चलते हैं, तो इसलिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर साइंस कॉलेज आता है, MM आता है, गांधीनगर भी आता है शायद। तो ये ऑफिस है सामने क्लस्टर का। अपनी ऑफिस के सामने वाली पार्क है, क्या नाम है इस पार्क का? फारा चौक। फारा चौक, फारा पार्क। हाँ, फारा पार्क चौक है ना, जैसे ग्रेटर कलाकिंग। और ये सामने है हमारा ऑफिस प्रिंस ऑफ वेल्स, 1905 में ये एस्टेब्लिश हुआ है भाई, अंग्रेजों ने किया। स्पेशल चीजें यहाँ की, बिल है, बिल का पेड़। मतलब अभी असाइनमेंट होगी हमारी सबमिट और अभी घर जाने का प्लान बन चुका है, क्योंकि भाई यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, रुका नहीं जा रहा। देखो अपने कॉलेज में ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट मैं और इरफान कर रहे हैं BSc, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं हम। ये है मतलब बैचलर ऑफ साइंस, मतलब बैचलर वाला कुवारा, साइंस का कुवारा लड़का है ये, ठीक है। ये और मैं तो फर्स्ट सेम में आए थे, उसके बाद कॉलेज आ जाए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें। बाय।